हेलो दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक पढ़े थे और आज हम लोग टाइप फाइव का क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। और टाइप फाइव में पहला प्रश्न है कि 600 तक 1800 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 600 तक 1800 विभाजित होने वाली 18 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो देखिए, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो इससे भाग देंगे 18 तिया 54, 6 बचा 60 18 तिया 54, उसके बाद पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद नहीं लेना है, यानी भागफल का पूर्णांक भाग लेना है, है ना। तो भागफल का पूर्णांक भाग, अब पॉइंट के बाद जो आएगा तो भिन्न वाला पार्ट आएगा, तो भिन्न वाला पार्ट नहीं लेना, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33 गो। कहने का मतलब है 600 तक में 18 से कटने वाली संख्या के गो होगा, 33 गो होगा। जैसे 18 36 54 इस तरह करके 72, तो इस तरह करके कौन कौन होगा 18 से कटने वाला, 18 होगा पहला, दूसरा 36 होगा, तीसरा 54 होगा, 72 होगा, फिर 90 होगा। इस तरह से करके कुल कितना हो जाएगा, 33 गो। जैसे कि 10 तक में 3 से कटने वाली संख्या क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा, कैट होगा 3 गो। तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। तो 3 ही आया ना, 3 तो 3 ही तो है, कौन कौन है, 3 है, 6 है और 9 है, 3 ही तो हैं, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। तो इस तरह से हर तरह का क्वेश्चन हम लोग अभ्यास करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और दो नंबर प्रश्न है, दो नंबर भी काफ़ी सिंपल है। 300 तक कहा 19 से कटने वाली कितनी संख्या है, 19 से विभाजित होने वाली 300 तक में 19 से कौन कौन संख्या कटेगी, हाँ ये नहीं पूछा है कितनी संख्या कटेगी, तो जो जो कटेगी उसकी काउंटिंग करने पर कितना कट होगा वो पूछा है। तो हो जाएगा 19 एका 19, इसमें कितना बचा, 110 हो गया, 19 पच्चे 95, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। तो कितना हो जाएगा, 15 को, कुल संख्या कितना होगा, 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15, 19 एका 19 11 110, 19 पच्चे 95, 19 6 14, हाँ से 19 5 बार लगेगा, यानी 15 संख्या है 300 तक में 19 से कटने वाली। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जान है। 500 से 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। अब इसमें रेंज बांध दिया, 500 से 1300 तक, 500 से शुरू करना है और 1300 तक में 9 से कटने वाली कितनी संख्या है, मतलब 500 से शुरू करेंगे तो पहला तो 500 नहीं कटेगा। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम भाग दे के देखेंगे तो पॉइंट के बाद नहीं लेना है, इसमें पॉइंट के बाद नहीं लेना तो आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जो है फ्लॉप करने का 0.1% चांस रहता है, 0.1% चांस रहता है फ्लॉप करने का, जो भी भाग देंगे और लिखेंगे पॉइंट के पहले वाला, तो है ना, पॉइंट पूर्णांक भाग लेके अगर बनाएंगे तो। अब देखिए इसमें अगर हम बनाते हैं, लॉजिक को समझिए, देखिए क्वेश्चन बनाने में लेट नहीं लगेगा, लॉजिक तैयार करने में जितना समय लगे उसमें टेंशन लेने का। अब देखिए अगर हम ऐसे भाग देंगे तो 9 पच्चे 45 5 50 9 पच्चे 45, उसके बाद पॉइंट में आएगा, नहीं लेना है। अब इसको ऐसे भाग देंगे तो 9 एका 9 4 40 9 चौके 36, फिर 4 40 9 चौके 36, पॉइंट के बाद नहीं लेना। अब 144 में 55 माइनस कर देंगे, है ना, यानी कि 55 माइनस 144 तो हो जाएगा, 144 में 55 माइनस करेंगे तो 14 5 9 13 5 8, यानी 89 हो जाएगा, माइनस 89 नहीं। अब थोड़ी बोलेंगे कि 10 और 20 के बीच में 5 से कटने वाला कट, 10 और 20 के बीच में कट हो जाएगा, 5 से कटने वाला 10 और 20 के बीच में, तो सिर्फ 15 एक तो हुआ, कि थोड़े बोलेंगे माइनस है वो कि कट हो संख्या है, तो ऐसा थोड़े बोलेंगे कि जो है 500 से 1300 तक में 9 से कटने वाली माइनस 89 गो संख्या माइनस में नहीं दर्शाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 89 माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला तरीका, हालांकि ये सही है आंसर, कभी कभी फ्लॉप होता है 0.1%, इसमें फ्लॉप नहीं हुआ, ये एक्यूरेट सही है, कभी कभी होता है रेयर में, है ना। तो कभी रेयर में भी 0.1% फ्लॉप ना हो तो इसके लिए देखिए क्या तरीका है, जब कभी भी तक का प्रयोग करें, तक तो तक शब्द का प्रयोग करें, तो ध्यान दीजिएगा तक शब्द का प्रयोग करें तक, तो पीछे से एक माइनस करेंगे, पीछे से माइनस एक करेंगे, और बीच बोले तो बीच शब्द का प्रयोग करें तो कि 200 से 300 के बीच, 400 से 600 के बीच, बीच का शब्द प्रयोग करें तो बीच, तो आगे से एक माइनस करेंगे उसके बाद बनाएंगे, तो ये हमेशा 100% श्योरिटी देता है, कभी फ्लॉप होने का चांस नहीं रहेगा। इस पर अभी एग्जांपल भी लेंगे, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाने में लेट नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन को देखिए, ये जो प्रश्न बनाए हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है, लेकिन क्या बोले 0.1% कभी कभी फ्लॉप होने का चांस रहता है, इसमें ये गलत नहीं है, तो इसके लिए हमेशा सही हो, 100% कोई फ्लॉप का चांस ही नहीं बने, 100% हमेशा सही हो, तो इसके लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में तक का प्रयोग किया ना, तो पीछे से एक माइनस कर देंगे, इसमें एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 499, है ना, एक माइनस करेंगे इसमें तो
तो क्या हो जाएगा 499 को फिर 9 से भाग देंगे और ये 1300 को 9 से भाग देंगे। यही सब बीच का प्रयोग करता है कि 500 एवं 1300 के बीच, तो आगे से 1300 में एक माइनस करते और उसके बाद बनाते तो कभी भी गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा, हमेशा 100% सही ही आएगा। तो इसमें भी देखिए 89 ही आंसर आएगा। क्या बोले, कभी कभी रेयर में 0.1% का कोई वैल्यू नहीं रहा, 99.9% ऐसे भी सही है ना। यहाँ भी बनाएंगे तो वही आएगा। देखिए 9 × 5 = 45, 4 × 49 = 9 × 5 = 45, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। यहाँ देखिए 144 बार में कटेगा, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 45 - 144 तो यही आएगा, -89, माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। 89 को संख्या है, 89 को संख्या है 500 से 1300 तक में किससे, 9 से विभाजित होने वाली, तो कोई गलत नहीं हुआ। अब इस पर देखिए फ्लॉप होने वाला एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कहाँ कभी कभी रेयर में जो 0.1% फ्लॉप होता है कहाँ होता है। इसमें तो हम लोग दोनों तरह एक नहीं भी घटाए तो वही आया आंसर, घटा के भी बनाए तो वही आया, लेकिन रेयर में जो होता है उस पर ऐसा एग्जांपल एगो लेते हैं। तो ये आप लोग लिख लिए हैं, वैसा एग्जांपल एगो देखते हैं। जैसे में देखिए 10 से 30 तक 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, 5 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा, तो हो गया ये 2 - 6 बराबर क्या आ गया 4 को माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब 10 से 30 तक में 5 से कटने वाली संख्या कौन कौन होगा, 10 से शुरू करेंगे तो 10 भी कट रहा है 5 से, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 20 कटेगा, 25 कटेगा, 30 कटेगा, तो कट हो गया। तो टोटल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे बनाए बिना घटाए बनाए तो क्या आया 4, तो मैच किया नहीं किया, फ्लॉप कर रहा है। अब देखिए घटा के बनाते हैं, तक तो पीछे से एक माइनस करके बनाते हैं, तक है ना, तक तो पीछे से एक माइनस करके बनाते हैं, मतलब 10 में एक माइनस कर देंगे और उसके बाद बनाएंगे है ना, और भाग देंगे किससे 5 से, कहा 5 से है ना, तो 9 को भाग देंगे 5 से, 30 को भाग देंगे 5 से, तो 5 × 6 = 30 इधर भाग देंगे तो 1 point something आएगा, पॉइंट के बाद लेना नहीं है, तो 1 - 6 बराबर कितना आ जाएगा 5, माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए माइनस एक करके बनाए तो मैच किया, और माइनस एक करके नहीं बनाए तो मैच नहीं किया। और रियल में देखिए क्या क्या है, 6 × 5 = 2 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 10 से 30 तक में 5 से कटने वाले, 10 से 30 तक में 5 से कटने वाले कितनी संख्या है, 5 है। अगर हम एक माइनस नहीं करके बनाते हैं तो 4 ही आता है, अगर एक माइनस करके बनाते हैं तक तो पीछे से एक माइनस करके बनाते हैं तो 5 आता है ना। तो एक माइनस करके तक तो पीछे से एक माइनस करके बनाने पर हमेशा 100% सही आंसर आएगा, और बीच तो आगे से एक माइनस करके बनाने पर हमेशा 100% सही आंसर आएगा। अगर नहीं भी कर पाए, माइंड में नहीं रहा कि तक तो पीछे से एक माइनस करेंगे कि आगे से एक माइनस करेंगे बीच रहेगा, तो ऐसे भी बनाएंगे तो हमेशा 99.9% हमेशा सही आता है। देखें अभी एक क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े 3 नंबर, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ये रेयर है ऐसा है ना, तो क्या दिक्कत है, तक कहे तो पीछे से एक माइनस कर लीजिए, बीच कहे तो आगे से एक माइनस करके उसके बाद भाग दीजिए, तो हमेशा सही आएगा। तो देखें हम लोग एग्जाम्पल, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था, माइनस करके बनाए तो मैच किया आंसर, और रियल में भी यही सब है, रियल में भी यही सब देख रहे हैं हम लोग, 5 है, तो 5 कब हुआ, मैच किया जब एक माइनस करके बनाए, तो ये भी एक एग्जाम्पल देखें क्यों, जवाब क्लियर है सबका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्यों एक माइनस करते हैं, क्यों पीछे से या आगे से एक माइनस करके बनाते हैं, तो इसका जवाब क्लियर हो गया सबको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 नंबर है 800 एवं 1500 के बीच 16 से कटने वाली कितनी संख्या, तो बीच कहा, तो बीच कहा तो अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं, बीच कहा तो आगे से एक माइनस करेंगे, यानी कि इसको भाग देना है किससे 16 से, यानी इसको भी भाग देना है 16 से, यानी 800 से लेकर 1500 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो 800 को भाग देंगे 16 से, और बीच कहा तो आगे से एक माइनस करेंगे, 1499 को भाग देंगे 16 से। अगर 1500 को भी भाग देंगे 16 से और इसको बनाएंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, वो जो एक्स्ट्रा एग्जांपल ये वो रेयर हैं 0.1% है ना, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं, अगर माइंड से उतर भी जाए तो ऐसे ही बनाइएगा, हमेशा सही होगा, वो रेयर हैं है ना, बीच तो आगे से एक माइनस, अब तक तो पीछे से एक माइनस करेंगे, अगर ये भूल भी जाएंगे तो नहीं भी माइनस करेंगे तो फिर भी बनाएंगे तो सही आएगा, रेयर की बात है। तो वो भी देखें हम लोग एग्जाम्पल लेके एक्स्ट्रा, अब इसको भाग देंगे 16 × 5 = 80, अब नहीं लगेगा पॉइंट के बाद। अब देखिए 16 × 9 = 9 बार में 144 कितना बचा 5 = 50, 16 × 3 = 48, पॉइंट के बाद नहीं लेना है, तो आ जाएगा 50 - 93, तो हो जाएगा ये -43, मतलब 43 संख्या है 800 से लेकर 1500 के बीच में कुल संख्या कितना है 43 है, 16 से कटने वाली जो संख्या है 800 से लेकर 1500 के बीच में 43 वो संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से लेकर 900 तक, 5 नंबर है, 500 से लेकर 900 तक
500 से लेकर 900 तक तो कहा तो पीछे से एक माइनस करेंगे, मतलब 499 से लेकर 900 तक, इसका मतलब यही हुआ है ना। दो तीन एवं पाँच से तो अलग अलग कितना भाग देके देखेंगे, तो इसी का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम पढ़े हैं, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30। एलसीएम दी गई संख्या से कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। अगर कोई संख्या 30 से कटेगा तो वो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो उसी का एलसीएम ले लिए। अलग अलग कितना भाग देके देखेंगे, मतलब 30 से भाग देके देखेंगे इसको, तो 30 दिया 90, 30 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 30 एक 30 19 199, 6 बार 6 18 छः बार लगेगा पॉइंट के बाद, नहीं लेना है। तो हो जाएगा 16 माइनस 30 बराबर माइनस 14। माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं 14 संख्या हैं 500 से लेकर 900 तक में 14 संख्या हैं जो 2, 3 एवं 5 से विभाजित हो रही है ना। तो कितना संख्या है, 14 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 तक ऐसी संख्या जो 4 या 5 से विभाजित हो, कंडीशन लगा दिया दोनों से नहीं, 4 से कटे या 5 से कटे। तो 500 तक में, 6 नंबर प्रश्न है, 500 तक में तो सिंपल है, इसमें तो घटाने उटाने की ज़रूरत नहीं, मतलब 0 से लेकर 500 तक की बात हो रही है ना। अगर एक से लेकर 500 तक की बात हो रही है तो तक में पीछे से घटाएंगे तो एक में एक तो 0 हो जाएगा, यानी 0 से 500 तक की बात हो रही है, इसमें घटाने की ज़रूरत नहीं, एक रेंज रहता है कि यहाँ से यहाँ तक में, तो घटाते हैं। तो 500 तक में जो है रेंज ही है, मतलब 1 से लेकर 500 तक की बात हो रही है ना। तो इसमें एक में अगर घटा भी देंगे एक तो 0 आ जाएगा, तो 0 से 500 तक घटाने से फायदा नहीं है, 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0.2, तो सारा गिनती उसमें आ ही जा रहा है। तो 500 तक 4 या 5 से कहा, या लगा दिया, मतलब या तो 4 से कटे या तो 5 से कटे। जैसे कुछ संख्या है 500 तक में, कुछ संख्या है जैसे 20, देखिए 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, 4 5 20 5 6 20। 40 देखिए 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये सब संख्या नहीं पूछा है, पूछा है केवल 4 से कटे या 5 से कटे, दोनों से नहीं। तो हम लोग निकाल लेते हैं कुल, फिर दोनों से कटने वाली जो जो संख्या होगा उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 से कटने वाली 500 तक में देखिए कितनी संख्या है, और 500 तक में ही 5 से कटने वाली कितनी संख्या है। कुछ संख्या ऐसी है जो 500 तक में जो दोनों से कट रही है, दोनों का मतलब 4 एवं 5 दोनों से कट रही है, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो जैसे कि 500 तक में ही देखिए 20 ही, देखिए 4 एवं 5 दोनों से कट रही है, 40 दोनों से कट रही है, 60 दोनों से कट रही है, 80 दोनों से कट रही है, 100 दोनों से कट रही है, 100 तक में ही 5 हो गया जो दोनों से कटने वाला है, तो 500 तक में 25 हो जाएगा जो दोनों से कटने, वो थोड़ी पूछा है, केवल 4 या 5 से कटने वाली, विभाजित होने वाली कुल संख्या पूछा है। तो 4 से देखिए कितना है 125 को, 5 से कटने वाली कितना है 100। कुछ संख्या जो दोनों से कट रही है वो थोड़ी पूछा है, उसको घटा देंगे। तो ये क्या संख्या है, 25 बार में कटेगा, 25 संख्या ऐसी है जो दोनों से कट रहा है वो नहीं पूछा है। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 100 और माइनस 25, तो 225 में 25 घटाएंगे, तो 200 संख्या है केवल और केवल 4 या 5 से कट रही है, वो संख्या कितनी है 200 संख्या है, सिर्फ 4 या 5 से कटता है, दोनों से नहीं। दोनों से कटने वाले 500 तक में 25 है, उसको निकाल दिए। जैसे 20 तक में ही देखिए, 20 तक में ही देखिए 4 से कटने वाली संख्या कौन कौन हुआ, 4 8 12 16 20 है ना, 5 हुआ। और 20 तक में ही 5 से कटने वाली संख्या कौन कौन हुआ, 5 10 15 20, 4 हुआ, 9 हो गया। अब देखिए 20 ही देखिए दोनों से कट रहा है, वो थोड़ी पूछा है 4 या 5 से पूछा है, तो 20 दोनों से कट रहा है, तो 20 दोनों से कट रहा है, तो एक ही तो संख्या ना 20 तक में, 20 दोनों से कटने वाली, तो उसको हटा देंगे, तो 5 4 9 में घटा देंगे, 8 वो संख्या होगा केवल 4 या 5 से कटने वाली, यही तो कह रहा है इस प्रश्न में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 है, 300 एवं 500 के बीच जैसे ही कहे एक पहले माइनस कर दीजिए, तो 300 माइनस 499, ये क्वेश्चन हो गया। क्यों माइनस करते हैं, बात भी क्लियर है सबका। 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली, 3 एवं 5 दोनों से कहा, दोनों से कटना चाहिए या नहीं है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15
अब देखिए 15 से जो संख्या कटेगा वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसी का तो एलसीएम 15 है, दोनों से कटेगा ही 15। अगर 15 जैसे है 30 है तो 30 जो है 15 से कट रहा है तो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो दोनों से कटने वाले, दोनों से कटने वाले संख्या हो गया जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ये सब दोनों से कट रही है, तो दोनों का एलसीएम ले लिए 15, 15 से अगर जो जो कटेगा वो दोनों से कटेगी, तो अलग अलग कितना चेक करके देखेंगे। तो 15 से भाग देते हैं इसको, इसको भी देते हैं, 15 × 2 = 30, 20 बार में कटा, 15 से 15 × 3 = 45 और 49 × 3 = 45, पॉइंट के बाद नहीं लेना है। तो 20 − 33 बराबर कितना, -13 माइनस कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि सॉरी हाँ 13, 13 संख्या है 300 से 500 के बीच में जो 3 एवं 5 दोनों से कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, 500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। 8 नंबर प्रश्न है 500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली, 3 या 5 से, दोनों से कटने वाली नहीं लेना, केवल 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या लेना है। तो बीच का हाथ पहले आगे से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 500 799। तो 3 या 5 से कटने वाली, तो 3 से कटने वाली देख लेते हैं कितनी संख्या है, 3 से कटने वाली 500 से 700 में के बीच में कितनी संख्या है, फिर 500 से 700 के बीच में 799 यानी 800 के बीच में, तो इसको ठीक से एक माइनस कर दें 799। 5 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, अब ये 3 से कटने वाली 500 और 800 के बीच में कितनी संख्या है, और 500 और 700 800 के बीच में 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, ये दोनों को निकाल के जोड़ लेंगे, कुछ संख्या ऐसे होगा जो दोनों से कटता होगा 500 और 800 के बीच में, दोनों से मतलब 3 एवं 5 दोनों से, एवं नहीं पूछा, पूछा है या, तो कुछ संख्या ऐसा है जो 15 से भी कटता होगा, मतलब 3 एवं 5 से कटने का मतलब 15 से जो संख्या कटेगा वो 3 एवं 5 से कटेगा, तो दोनों वाला नहीं पूछा है, केवल 3 या केवल 5 से कटने वाला पूछा है, तो दोनों से कटने वाला संख्या हो जाएगा, यानी कि 15 से भाग देंगे 500 से 800 के बीच में, है ना, 500 से 800 के बीच में, उसको घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए 148 2 6 18 पॉइंट के बाद नहीं लेना, ये से 3 6 6 18 6 18 पॉइंट के बाद नहीं लेना, तो 266 में 166 घटाएंगे तो 100 हो जाएगी, 100 संख्या है, माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, 500 से 800 के बीच में 3 से केवल 3 से कटने वाली 100 संख्या है, और ये 100 हो जाएगा भाग संख्या है जो केवल 5 से कटती है, है ना, तो 159 में 20 घटाएंगे 139 संख्या हो जाएगी, 139 संख्या है 3 या 5 से कटने वाली, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 139। नौ नंबर प्रश्न है 300 से लेकर 500 तक का तो पीछे से एक माइनस करेंगे, 299 से लेकर 500 तक की बात हो रही है, मतलब इतनी बना है यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या पूछा है, 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या पूछा है, तो इसमें जो आंसर दिया है या के अनुसार दिया है तो कोई बात नहीं, 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या पूछा है, तो 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या पूछा है, तो 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्या 299 - 500 को भाग देंगे, 4 एवं 5 से विभाजित संख्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, मतलब 20 से इसको भाग देंगे, इसको 20 से भाग देंगे, कटेगा 25 भाग, और ये हो जाएगा 20 + 20 9 90 20 84 पॉइंट बाद नहीं लेना, तो हो जाएगा 11 संख्या है जो 4 एवं 5 से नहीं पूछा है, 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, तो 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितना है, 11 है, तो सबसे पहले 300 से लेकर 500 तक में संख्या कितनी को है, तो 500 में 299 घटा देंगे तो हो जाएगा 201 संख्या, 201 संख्या है, 300 से 500 तक में संख्या है 201 संख्या में 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली 11 संख्या है, तो जो रेस्ट बचा 4 एवं 5 से विभाजित नहीं हो रही है ना, 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या 201 हो, 300 से 500 तक में कितनी संख्या है, 201 संख्या है, उसमें से विभाजित होने वाली 4 एवं 5 से 11 हुआ है, इसको हटा देंगे तो 190 संख्या जो बचा वो 4 एवं 5 से विभाजित नहीं हो रही है,
भी पूछा है कि नहीं होने वाली पूछा है, विभाजित होने वाली चार एवं पाँच से विभाजित होने वाली 300 से 500 तक में 11 को संख्या है, तो कुल संख्या ही है 300 से 500 तक में 200 एगो, उसमें से विभाजित होने वाली 11 है, तो जो बचा रेस्ट वो चार एवं पाँच से विभाजित नहीं हो रही। इसका आंसर हो जाएगा 190, ऑप्शन मिस्टेक है इसका। अब जो है 10 नंबर से जो क्वेश्चन है, इसमें विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग पूछा, मतलब कहने का मतलब है, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझिए। कह रहा है क्वेश्चन का थीम क्या है, क्वेश्चन का थीम है कि जैसे 10 तक 3 से कटने वाली संख्या, तो 3 से तक कटने वाली संख्या कौन कौन होगा, 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, इसका योग करेगा तो जोड़ेंगे 3 + 6 + 9, तो 9 + 15 = 18 हो जाए, यही कह रहा है प्रश्न। तो ये तो छोटा था वैसे ही जोड़ लिए हम लोग, बड़ा बड़ा प्रश्न जोड़ना संभव नहीं है, कि 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग संभव नहीं है, लाखों में आएगा, है ना। तो ठीक देखिए क्या है बनाने का, ठीक को समझते हैं। तो 500 तक में देखिए समेशन पूछा है, समेशन पूछा है, इसका योग निकालने का तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा डी प्लस 1 इंटू गुना लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी प्लस 1, है ना। कोई भी संख्या 200 तक 300 तक 200 से 500 तक कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या निकालने के लिए केवल इस इतना सा का प्रयोग करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, या लिख ही देते हैं इसको भी, सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, है ना। कोई भी संख्या पूछे, सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी प्लस 1, कोई भी सम संख्या या विषम संख्या 200 तक 300 तक में कितनी है इसका प्रयोग करेंगे, 0% आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, लास्ट को टी एन से डिनोट करते हैं, लिखने में शॉर्ट पड़ेगा, छोटा हो जाएगा, और तो सब ठीक ही है ना। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या है, 500 तक रहते हैं क्वेश्चन है 9 से विभाजित होने वाले, तो 9 से पहला कौन कटे, 500 तक में मतलब शुरू से 1 से कराए 500 तक, तो पहला संख्या 5 कटने वाली हो जाएगा 9 से, ए बराबर 9 ही होगा, डिफरेंस जाएगा 9 का, पहला 9 कटा तो दूसरा 18 कटेगा, फिर 27 कटेगा, फिर 36 कटेगा, 9 का डिफरेंस जाएगा, और अंतिम संख्या जो होगा, अंतिम संख्या देखिए कैसे निकाला जाता है, इस तरह सोचना टफ हो जाएगा, तो 500 को भाग देंगे किससे, 9 से, 5 बार में 45 0, फिर 5 बार में 45 है ना, 5000, ठीक है। तो 500 में से 5 घटा देंगे तो 495 हुआ, है ना, 5 से बच गया ना, तो 5 घर बच गया, 505 माइनस कर देंगे तो 495 होगा, 9 से कटेगा, 9 + 45 = 4, फिर 45 × 9 = 45, तो अंतिम संख्या जो हुआ हो गया 495। अब इसका योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हो गया ए 9 प्लस लास्ट मतलब ये वाला 495 बटे डी मतलब डिफरेंस कितने ग्यारह 9 प्लस 1 इंटू लास्ट मतलब 495 माइनस फर्स्ट मतलब 9 बटे डी, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ फॉर्मूला भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और आसान है ये दोनों तो एक ही हो जा रहा है, सिर्फ माइनस प्लस हो जा रहा है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1, है ना। तो ये देखिए और आसान हो गया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी मतलब 9 प्लस 1, तो और आसान हो जाएगा कितना, 504 504 को 2 से भाग देंगे गुना, इसमें घटाएंगे तो 486 हो जाएगा बटे 9 प्लस 1, 9 से कट रहा है 9 + 45 3 × 5 = 36, इधर कटेगा 25 × 50 = 4 हो जाएगा 252 गुना 45 54 है 55, और इसको गुना करने पर जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा, तो गुना करने पर जो भी आएगा 5 × 10 इकाई 0 तो आ रहा है, तो आएगा 13860, मतलब 500 तक में
9 से विभाजित होने वाली जो भी संख्या जो जो संख्या 500 तक में 9 से कटेगा, जैसे 9, 18, 27, 36, 45, ये सब जो भी संख्या आएगा 500 तक में उस सभी का योग करेंगे तो 13,860 आएगा, जो कि ऐसे में संभव नहीं है। तो इस तरह से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग निकाला जाता है। योग निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे डी प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस वन का फॉर्मूला का यूज करेंगे, और कोई भी सम या विषम संख्या निकालने के लिए केवल इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको आप बनाना है आप लोगों को। जैसे 500 एवं 1300 के बीच का 6 से विभाजित होने वाली संख्या का, तो 6 से विभाजित होने वाली शुरू करना है 500 से, 500 से 6 से नहीं कट रहा है। तो देखिए इसको फर्स्ट संख्या कैसे निकाला जाता है, लाठी तो ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ऐसे नहीं सोच सकते जैसे 500 नहीं कट रहा 6 से, फिर 501 नहीं कटेगा, 502 नहीं कटेगा, 503 नहीं कटेगा, 504 अच्छा 48 2 50 नहीं 504 देखिए 504 देखिए 6 से अच्छा 48 2 बचा 24 6 चौके 24 कट रहा है ना, तो पहला संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा 504। इस तरह सोचना तब होगा। देखिए ट्रिक क्या है निकालने का, फर्स्ट और लास्ट निकालने का, लास्ट निकालने का तो सीखेंगे कि प्रथम संख्या क्या होगा, तो 6 से कहा ना तो 6 से भाग देंगे 8 बार में 48 और बचा इसमें 2 36 18 है ना, 48 2 50 2 0 उतना 36 18 2। अब देखिए इसमें अगर कितना देंगे, जो ये 500 से शुरू करना है तो आगे बढ़ना है ना, 500 नहीं कटा 500 आगे बढ़ना, अब इसमें आगे बढ़ाएंगे तो 500 का ही ना शेष 2 है, इसमें अगर 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 500, 2 में 4 जोड़ने का मतलब 500 का शेष है ना 2, 500 का ही ना शेष 2 है, तो 2 में 4 जोड़िए या 500 में 4 जोड़िए की बात है, तो 500 में 4 जोड़ेंगे तो 504 हो जाएगा जो 6 से कट जाएगा। दूसरा तरीका है जो भी ये शेष आए, अगर ऐसे नहीं करना तो जो इसमें 6 है ना 6 से भाग दिए, 6 में से जो शेष आया उसको घटा दीजिए 4 जोड़ने पर, 500 में 4 जोड़ेंगे तो 504 हो जाएगा जो 6 से कटे है ना, शेष में 4 जोड़िए या 500 में 4 जोड़िए की बात है, या फिर इसमें इसको जो शेष बचा घटा के है ना, तो जो आया ये 4 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 6 से कट जाएगा, तो 4 इसमें जोड़ने का मतलब 500 में 4 जोड़ना होगा है ना। तो पहला संख्या क्या होगा, ये तरीका है निकालने का, तो जो आया भाग देकर शेष जो बचता उसमें घटा दीजिए, जो आया उससे पाँच जोड़ने पर अगला संख्या जो भी जिससे भी भाग देना हो 6 से था तो 6 से 8 से जाएगा 8 से, तो पहला संख्या निकल गया। डिफरेंस तो हमेशा कितने का 6 का ही जाएगा, 504 फिर 510 4 के बाद 10 500 फिर 100 6 का ही डिफरेंस जाएगा, और अंतिम संख्या जो है लास्ट टी एन से डिनोट करते हैं, अंतिम संख्या भी निकालने के लिए भी सीखे थे, इधर साइड में निकाल देते हैं अंतिम संख्या लिखे कैसे निकालेंगे, कहाँ तक कहा 1300 तक में ना, तो 13 से भाग गए 6 से भाग देंगे 6 दिन 12 1 बचा 0 छः का 6 4 बचा फिर 0 बचा 6 4 के 36 कितना बचा 4 है ना, तो इसमें घटा दें 1300 में 4 घटाएंगे तो 1296 है ना, तो इसमें घटाने का मतलब आगे नहीं बढ़ना है ना, तो आगे इसलिए जोड़ इसमें नहीं जोड़ना, अब जो बचा इसमें से घटा दें क्योंकि आगे अब नहीं बढ़ना है ना, 1300 में शेष 4 बच जा रहा है तो 4 घटा दीजिए तो 1296 होगा, ये अंतिम संख्या होगा 1296 किससे 6 से विभाजित होने वाली, 500 से 1300 के बीच में प्रथम संख्या 6 से कटने वाला ये होगा, डिफरेंस 6 का जाएगा और अंतिम संख्या ये होगा। अब क्या, अब तो ये सारा मान ही फॉर्मेट में रख देंगे आंसर आएगा, तो आगे आपको ये फॉर्मेट में रख के बनाना है ना। सब क्वेश्चन उतना आता नहीं है लेकिन जानना चाहिए कि क्या होगा इसके, आएगा भी रहेगा 50 तक में 3 से कटने वाली संख्या का योग क्या है, 80 तक में या 100 तक में 8 से कटने वाली संख्या का योग क्या है, तो ये काफ़ी सिंपल रूप से बन जाता है, लेट नहीं लगेगा इसमें, ये भी तो आसानी है थोड़ा सा, इसका कैलकुलेशन हाई हो जा रहा है तो इसका फॉर्मेट को लिख लेना है। अब देखिए कुछ संख्या है योग कई पूछता है कि सम संख्या विषम संख्या कितना, 12 नंबर प्रश्न में कहा कि 300 तक 300 से 500 तक में, इतना बड़ा भी नहीं पूछता, कहता 200 तक में या सिर्फ 100 तक में कितनी सम संख्या है कितनी विषम संख्या है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो छोटा मोटा क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी ही लगेगा। तो 300 से 500 तक कहा सम एवं विषम संख्या कितना, देखिए सम के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, 300 से शुरू करेंगे तो पहला सम संख्या ये बराबर क्या होगा, इसमें घटाना वटाना नहीं है ना, 300 से 500 तक मिला तो पहला सम संख्या 300 से शुरू करेंगे तो ए बराबर ही 300 ही होगा, और डिफरेंस तो 2 का जाएगा 300 302 304 से 2 का डिफरेंस जाएगा, और अंतिम जो है अंतिम सम संख्या तो 500 है, और विषम के लिए फॉर्मेट में देखिए क्या क्या चाहिए, पहला विषम संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला विषम संख्या ए बराबर हो जाएगा 300 तो नहीं है 301 300 से शुरू करेंगे फिर डिफरेंस तो 2 का ही जाएगा 301 303 305 और अंतिम विषम संख्या जो होगा ये 499 हो जाएगा, अब रख देंगे है ना, तो
संख्या निकालने के लिए सम या विषम संख्या निकालने के लिए सम संख्या बराबर ही इसमें रखेंगे। लास्ट लास्ट मतलब 500 माइनस फर्स्ट, फर्स्ट मतलब 300 बटे डी, डी डी मतलब 2 लिखा जा रहा प्लस 1 तो घटाएंगे कितना आएगा 200, 200 को 2 से भाग देंगे 100, 100 प्लस 1 कितना आ जाएगा 101। 101 वो संख्या है 300 से 500 तक में सम संख्या। अब विषम संख्या देखिए कितना है, विषम संख्या हो जाएगा देखिए लास्ट 499 माइनस फर्स्ट 301 बटे डिग्री मतलब 2 प्लस डिफरेंस आ रहा है ना, घटाएंगे तो आ जाएगा 9 में 1 घटाएंगे 8 वो तो 9 ही रहेगा, इसमें 199 99 वाले में कटेगा 99 प्लस 1 100 मतलब 300 से 500 तक में 100 विषम संख्या, 100 विषम संख्या और 101 सम संख्या। तो इस तरह से सम एवं विषम संख्या निकाला जाता है। और आप लोगों को 13 नंबर बनाना है, उसको होमवर्क दे रहे हैं इसी तरह है, सेम है ना, 13 नंबर है आपको आंसर इसका बताना है कमेंट में। 13 नंबर प्रश्न है 400 एवं 700 के बीच, के बीच है ना सम एवं विषम संख्या कितना, सम एवं विषम संख्या बताना, सम एवं विषम संख्या कितनी बताना है ना, ये आपको बनाना है होमवर्क रूप में, बना के आंसर इसका बताना है 400 एवं 700 के बीच में कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या जो 6 से विभाजित है, तो तीन अंकों वाली संख्या शुरू होता कहाँ से, तो तीन अंकों वाली शुरू संख्या होती है 100 से, इससे पहले तो सब में दो ही अंक है और अंतिम कहाँ तक जाएगा 999 तक, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, 6 से कटने वाली कहा 6 से भाग देंगे, तीन अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती 999 तक में सारे तीन अंक है, आगे जितना भी यहाँ से शुरू हुआ 999 तक में है ना, तो 6 से कटने वाली तो हो जाएगा 96 पॉइंट के बाद नहीं लेना, यहाँ देखिए ये 96 तीन बचा 39 46 पॉइंट के बाद नहीं लेना, तो 166 घटाएंगे कितना बचेगा 150, मतलब 100 से 999 तक में कुल 150 को संख्या है 6 से विभाजित होने वाली। तो हम लोग जो है आज डिवाइजर को कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे और डिवाइजर में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन को अभ्यास किए एक बार, पूरा डिटेल पूरा जो है एक एक टाइप करके अभ्यास कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं